आरबीआई ने फर्जी ऐप के जरिए करेंसी में ट्रेडिंग कराने को लेकर चेतावनी जारी की है। साथ ही आरबीआई ने 34 ऐप की सूची भी जारी की है और लोगों को कहा है कि वो इन ऐप से बचें। इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी है। एकता, 34 प्लेटफॉर्म की लिस्ट आरबीआई ने जारी की है, कौन कौन है इन प्लेटफॉर्म में, और आपसे जानना चाहेंगे ये करेंसी में ट्रेडिंग कराने को लेकर चेतावनी में आरबीआई की तरफ से कहा क्या गया है। जी बिल्कुल स्वाति, दरअसल हो क्या रहा है कि आपको बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी फॉरेक्स ट्रेडिंग की एप्स दिखेंगी जो आपको क्विक मनी का लालच दे रही है। जब क्रिप्टो आया था तो लोगों को लगा था कि इसमें हम पैसा कमा सकते हैं, क्विक मनी कमा सकते हैं, लेकिन असल में लाखों करोड़ों लोगों ने अपने गंवाए। जैसे ही क्रिप्टो का बूम खत्म हुआ, उस लालच को इनकैश करते हुए अब ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्स हैं, ये जमकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को क्विक मनी का लालच दे रही है कि आप डॉलर, पाउंड, येन किसी में भी सट्टा लगाएं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें। लेकिन असल में आरबीआई ने ये सख्त पहले भी, कई दिन पहले भी चेतावनी दी थी और आए दिन ये चेतावनी देता रहता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप उस कंपनी के साथ करते हैं जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये फीमा के तहत इलीगल है और आप इस मनी को एलआरएस के तहत भी नहीं काउंट कर सकते। अब 34 ऐसी ऐप्स है जिसकी लिस्ट निकाली गई है, जिसमें ओलिम ट्रेड है, बिनोमो है, ऐसी बहुत सी ऐप्स जो कि जमकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एडवर्टाइज कर रही है, यही कहते हुए कि आप हमारे साथ पैसा लगाएं। और इसके लिए लोगों को वो लालच ये देती है कि कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए फ्री में आप वेबिनार्स अटेंड करें या फ्री में हम आपको कोर्स देते हैं और शुरुआती ट्रेडिंग के लिए कुछ आपको करेंसी भी देते हैं ताकि लोगों का लालच बढ़े, जबकि ये इलीगल है। और आरबीआई ने सख्त कहा है कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये दंडात्मक है, इसीलिए लोगों को आगाह किया है। और सही मायने में जो कंपनी सेबी या फिर आरबीआई ने जिसको ऑथराइज किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, सेबी के तहत वो रजिस्टर्ड है, सिर्फ उन्हीं ऑथराइज लाइसेंस होल्डर्स के साथ आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। और वो कंपनीज अक्सर जो आरबीआई और सेबी के तहत है, वो जाहिर सी बात है कि भारतीय कंपनियां हैं, ऐसी कंपनीज नहीं जिनके ऑफशोर रजिस्टर्ड ऑफिसेज है, करीबियन आइलैंड्स में ऑफिसेज है, टैक्स इवेजन हो रही है, तो इसके तहत अगर ट्रेडिंग कोई कर रहा है तो दंडात्मक है। स्वाति,